फिल्मी किस्से बैराकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में 1971 में हुए फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात होगी। एपिसोड में दी जा रही इन्फॉर्मेशन विकिपीडिया और आईएमडीबी से ली गई है। पहले दो क्रिटिक्स अवार्ड्स की बात करते हैं। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला था कुदाल को। लेखक निर्देशक तैयब मेहता, निर्माता जीपी अस्थाना। ये फिल्म डिवीजन की प्रेजेंटेशन थी। बेस्ट फिल्म का क्रिटिक्स अवार्ड हासिल करने वाली फिल्म थी उसकी रोटी। निर्माता रोचक पंडित, निर्देशक मणिकौल। ये फेमस लेखक मोहन राकेश की कहानी पर आधारित थी। अब नॉर्मल पॉपुलर अवार्ड की बात करते हैं। वादा तो निभाया चाहत के सितारों से धरती की मांग भर दूं। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। छुप छुप मेरा रोए दर्द न जाने कोई। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। हमें कानून अपने हाथ में नहीं लेना। अंकल कानून तो अपने हाथ में है ही, उसे और सख्ती से अपने हाथ में लेना है। तुम कैसे जान सकते थे कि खानदानी रईस की फितरत क्या होती है, कि रुपया उड़ाने की चीज है। मैंने राय के बराबर ठोका खाया था, तुमने पार के बराबर ठोका खा दिया। जॉनी खुफिया पुलिस का आदमी है। क्या तकते हो? रुपिंदर सिंह को मैं शक्ल से पहचानता नहीं, ये इश्तेहार देख कर आया हूँ। हमारे पीछे पीछे आओ। अरे सारे ग्रोह की जिंदगी का दारो मदार इस फैसले पर है कि जॉनी खुफिया पुलिस का आदमी है या नहीं। बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड मिला था विजय आनंद को फिल्म जॉनी मेरा नाम के लिए। जॉनी मेरा नाम के निर्माता थे गुलशन राय, निर्देशक विजय आनंद, गीतकार इंदिवर राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। अगर मैं कहीं जानवर बन जाऊं तो क्या आप अपने आप को बचा सकेंगी? अगर मैं कहूं मैं बचना नहीं चाहती, मुझे मरना ही है, लेकिन फिर कभी ये न बताने आइएगा कि मेरी उम्र 19 साल की है। लेकिन सच जिंदा रहने के लिए बहुत सी चीजों के साथ सुलह तो करनी ही पड़ती है। नहीं, मैं इंसान हूँ, भगवान की सबसे बड़ी सृष्टि, किसी अन्याय के साथ सुलह नहीं करूँगा। सत्य रहा वही का वही, खरा पासे का सोना। पासे का सोना सोना ही रहता है, जेवर नहीं बनता। जेवर बनाने के लिए थोड़ा सा खोट दो। मैं जानता हूँ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन आप गलत जानते हैं सर। पॉलिसी के हिसाब से ऑनेस्टी नहीं, डिसऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी कोई पॉलिसी नहीं, ईमानदारी धर्म है, ईमान है। जिसे नीच कुल की समझकर द्वार से निकाल दिया था, आज उसी लड़की ने मुझे सिखा दिया कि सत्य बोलने का अहंकार नहीं, साहस चाहिए। बेस्ट डायलॉग का अवार्ड मिला था राजेंद्र सिंह बेदी को फिल्म सत्याकाम। सत्याकाम के निर्माता थे शेर जंग सिंह पंछी, निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी, गीतकार कैफी आजमी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तुम गए नहीं? जी कुछ काम ज्यादा था। बेस्ट साउंड का अवार्ड मिला था एस सी भामरी को। बेस्ट आर्ट डायरेक्शन का अवार्ड मिला शांति दास को, फिल्म थी तलाश। तलाश के निर्माता निर्देशक थे ओपी रलहन, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार एस डी बर्मन। हेला काजल सावा
बेस्ट सिनेमेटोग्राफी रंगीन फिल्म के लिए अवार्ड मिला जाल मिस्त्री को फिल्म हीर रांझा। हीर रांझा के निर्माता निर्देशक थे चेतन आनंद, गीतकार कैफी आजमी, संगीतकार मदन मोहन। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म के लिए अवार्ड मिला था कमल बोस को फिल्म खामोशी के लिए। खामोशी के निर्माता और संगीतकार थे हेमंत कुमार, निर्देशक असित सेन, गीतकार गुलजार। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल तीन नॉमिनेशंस थे, लता मंगेशकर बिंदिया चमके की गाने के लिए फिल्म दो रास्ते, शारदा बात जरा है आपस की जहां प्यार मिले के गाने के लिए, लता मंगेशकर बाबुल प्यारे जॉनी मेरा नाम के गाने के लिए। अवार्ड शारदा को मिला जहां प्यार मिले के गाने के लिए। जहां प्यार मिले के निर्माता निर्देशक थे लेख टंडन, गीतकार हसरत जयपुरी, फारूक कैसर, संगीतकार शंकर जयकिशन। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल तीन नॉमिनेशंस थे, मुकेश पहचान फिल्म के दो गानों के लिए नॉमिनेटेड थे, सबसे बड़ा नादान वही है और बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। सबसे बड़ा नादान वही है जो समझे नादान मुझे, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ। मोहम्मद रफी खिलौना के टाइटल सॉन्ग के लिए नॉमिनेटेड थे, खिलौना मेरा दिल तोड़ जाते। अवार्ड मुकेश को मिला सबसे बड़ा नादान वही है गाने के लिए। पहचान के निर्माता निर्देशक थे सोहनलाल कंवर, गीतकार इंदिवर, नीरज वर्मा मलिक, हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। बेस्ट लिरिसिस्ट तीन नॉमिनेशंस थे, आनंद बख्शी दो रास्ते के गाने बिंदिया चमकेगी के लिए, वर्मा मलिक पहचान के गाने सबसे बड़ा नादान वही है के लिए, सबसे बड़ा नादान वही है जो समझे नादान मुझे, गोपाल दास नीरज पहचान के गाने बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ के लिए, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। अवार्ड वर्मा मलिक को मिला पहचान के गीत सबसे बड़ा नादान के लिए। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर तीन नॉमिनेशंस थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल दो रास्ते के लिए, रंग दुनिया के और दो रास्ते, रिम झिम छाए बताए हाय क्या बात हो गई, बिंदिया चमके की जोड़ी खनके की, ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें मेरे नसीब में तेरा प्यार नहीं, छुप गए सारे नजारे ओए क्या बात हो गई, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, बिंदिया चमकेगी जोड़ी खनकेगी। शंकर जयकिशन पहचान के लिए, कर ले दिल की बात आज मौका है, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, लो आई है जवानी रूप के नगमे गाती, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, सबसे बड़ा नादान वही है जो समझे नादान मुझे, गोरी कोई पसंद आए तुझको, आया ना हमको प्यार जताना, साथ भी पर तेरे बहते हैं, पैसे की पहचान इंसान की कीमत कोई नहीं। एस डी बर्मन तलाश के लिए, आज को जुनी ली रात
आत्मा। पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला फिर से तो फरमाना, धरती पर है आसमां। आएगा रे उड़ के मेरा चलता रे तू जान जा, नैनों ने सपनों की महफिल सजाई है तुम भी जरूर आना। आज को जुनली रात मां। अवार्ड शंकर जयकिशन को मिला पहचान के लिए। बेस्ट कॉमिक एक्टर 3 नॉमिनेशंस थे। आईएस जौहर जॉनी मेरा नाम के लिए। बात यह है कि पहला दूजे का जुड़वा और दूजा तीजे का जुड़वा तो साफ जाहिर हुआ कि तीजा पहले का जुड़वा। बात कुछ जरा गोल गोल सी है सर, सर्कुलर सर्कल। वापस आके बताता हूँ ड्यूटी का मजा। हाँ बताइए बताइए। मुझे नहीं पहचानते, मैं तुम्हारा भूत हूँ। ये कौन है? जगदीप खिलौना के लिए। हुजूर श्रीमती जी, मौन व्रत खत्म करके अब हनीमून व्रत शुरू कीजिए। सौद अभी नहीं, तलाक के बाद बने। महमूद हमजोली के लिए। उनको फंसाने के लिए नकली मुझे लगा लगाई। ये मेरी असली मूछ है, मैं शिवराम का पिता बलराम हूँ। अरे बारे बेटे। ले ले, कितनी बार तुमसे मना किया कि इस घर में मत आया करो। क्या हुआ बहू? हरिओम हरिओम। बेटे ने बाप की ना मानी। ना मानी। You tell me what to do. I don't know. You tell me what to do. मैं क्या बोलूं जी? अवार्ड आईएस जौहर को मिला जॉनी मेरा नाम के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस 3 नॉमिनेशंस थे। बिंदु दो रास्ते के लिए। वेरी गुड, तो फिर इस कुर्सी को उन्हीं के कमरे में रहने दो, यहाँ तक आकर बैठने की तकलीफ भी ना होगी और फिर इस अनमोल कुर्सी को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। अगर मेरे पिता अमीर है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? बेटी होने के नाते क्या मुझे कुछ नहीं दे सकते? क्यों नहीं, वो तुम्हें तो फिर सत्यन ने मेरी इंसल्ट क्यों की? ये सत्यन से ही पूछो ना। तनख्वाह तो मिल गई है मगर मैंने सोचा इनकी तनख्वाह मेरे पास रहे तो अच्छा है। जब बड़े भैया हमारा इल्जाम अपने ऊपर ले रहे हैं तो फिर तुम क्यों उन्हें रोकते हो? क्या सोच रहे हो? हमेशा का झगड़ा एक ही बार में खत्म हो जाएगा। एक मरने को तैयार है, दूसरा जेल जाने को। लाठी भी टूटे और सांप भी मरे। मुमताज आदमी और इंसान के लिए। जिंदगी सिर्फ एक इत्तेफाक का नाम है। मुझे शरीफ आदमी पसंद नहीं, बड़े पिलपिले होते हैं। और वो सच सुनकर तुम्हारी सांस बंद हो जाएगी। तुम एहसान फरामोश और ना शुक्र ना कहला, दोस्त दोस्त के हाथ बर्बाद ना हो। असलियत जानने के बाद तुम्हें अपने आप से नफरत ना हो जाए, इसलिए नाम नहीं बताना चाहती थी, लेकिन तुमने मजबूर किया है। उसका नाम है जेके। चांद उस्मानी पहचान के लिए। गंगा से पवित्र कौन है इस दुनिया में? वैश्या नहीं, औरत समझ सकती है, इंसानियत समझ सकती है। एक तुम हो जिसने मुझे वैश्या बनाया और एक गंगा है जिसने मेरे माथे से कलंक की मुहर मिटाकर बहन बनाया। बोलो कौन अच्छा है, तुम या गंगा? अवार्ड चांद उस्मानी को मिला पहचान के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर 3 नॉमिनेशंस थे। फिरोज खान आदमी और इंसान के लिए। तू मेरे एहसानों का बदला क्या देगा? मैंने तुझे जमीन से उठाकर आसमान पर बिठा दिया। बोली लग रही है, ईमान बिक रहे हैं। किसका ईमान कितने में बिकता है मैं जानता हूँ। कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि हम सबको एक साथ गोली मार दी जाए। फिरोज खान सफर के लिए। बात यह है विनाश बाबू कि मैं शेयर बाजार के दाव पेच खूब समझता हूँ, इसे बेचना चाहिए इसे खरीदना चाहिए, लेकिन जहाँ जिंदगी का सवाल पैदा हो जाता है वहाँ अपनी जरा भी नहीं चलती। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ नीला, किस तरह सोना बनती है। नीला प्रेम चोपड़ा हिम्मत के लिए। कल ठीक शाम के 4 बजे हम रिजर्व बैंक को लूटेंगे। मैं गैंग लीडर को भी साथ लेकर पहुंच रहा हूँ। हम बैंक को नहीं जाने वाली ट्रेन को लूटेंगे। तो फिर आपको बैंक का नाम लेने की क्या जरूरत थी? ताकि तुम इंस्पेक्टर को गलत खबर दे सको। दुनिया में सिर्फ तुम ही चालाक नहीं हो, सबका बाप ऊपर वाले ने पैदा किया है। रेलवे पोल आने से पहले गाड़ी हर हालत में छोड़ देना, डायनामाइट से पोल और गाड़ी दोनों ही जाएंगे। अवार्ड फिरोज खान को मिला आदमी और इंसान के लिए। आदमी और इंसान के निर्माता थे बी आर चोपड़ा, निर्देशक यश चोपड़ा, गीतकार साहिर, संगीतकार रवि। बेस्ट एक्ट्रेस 3 नॉमिनेशंस थे। वहीदा रहमान खामोशी के लिए। मारना अच्छा लगता है आपको, मारिए। मैं किसी को नहीं आने दूंगी। जैसे वो गाना, हमने महकती खुशबू देखी है आंखों में उनकी। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो। क्या है इसके आगे? आपकी मायूसी और चीख पुकार में से आपको निकालने की जिम्मेवारी जब हमने ले ली है तो आपको कहा है कि फिक्र? अरुण डरो नहीं, डरो नहीं अरुण, मैं जो हूँ।
मुमताज खिलौना के लिए। विजय बाबू अपने कमरे में जाइए। जाइए। किसी को कुछ नहीं होगा किशोर बाबू, मैं इसका जिम्मा लेती हूँ। मैं जिंदगी के उस मोड़ से गुजर चुकी हूँ जहाँ कोई खतरा होता है, कोई डर होता है। क्या मैं इस काबिल भी नहीं रही कि तुम मेरी तरफ आंख उठाकर देखो, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो? क्या इनमें तुम्हें कोई शिकायत नजर आ रही है? एक दिन आपने मेरा दुपट्टा छीन लिया था, इसकी माला बनाकर मेरे गले में डाली और मुझे अपनी बीवी समझने लगे। कुछ याद आ रहा है आपको? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। शर्मिला टैगोर सफर के लिए। अगर घर वाले अपने बेटे को बेटे की तरह पालते तो बेगाने को यह सजा न देनी पड़ती न उठानी पड़ती। औरतों को इस दुनिया में सिर्फ जीने के लिए किस किस तरह से मरना पड़ता है। मैं आपके भाई की बहुत मामूली सी टीचर हूँ, मुझे एकाएक बड़ी सी गाड़ी में घर तक पहुँचाने का शौक। क्यों, तुम ये भी कह सकते हो ये गिलास आधा खाली है, और ये भी कह सकते हो ये आधा भरा हुआ है। जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करना है। मैं जिसके लिए मर सकती हूँ भाभी, वो मुझे जीने का हुक्म दे रहा है। शेखर, शेखर, शेखर! अवार्ड मुमताज को मिला खिलौना के लिए। खिलौना के निर्माता थे एलवी प्रसाद, निर्देशक चंद्र बोहरा, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। बेस्ट एक्टर 3 नॉमिनेशन थे राजेश खन्ना सच्चा झूठा के लिए। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। ये कैसे हो सकता है, तुम मेरी जुड़वा नहीं, मेरी माँ की नहीं, मेरे बाप की नहीं, फिर तुम्हें मेरी शक्ल कैसे मिली? ये एहसान करोगे एक दोस्त पर, तुम्हें रंजीत बनने के लिए 500 रुपए महीना दिया जाएगा। लेकिन इस बात का किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम नकली रंजीत हो। आप इंसान के रूप में ना जाने क्या है, बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। मैं जिंदगी भर इंसानों को धोखा देता रहा, आज एक जानवर से हार गया। तुम्हारी आदतें तो मुझे मिल गई, लेकिन तुम्हारी सच्चाई न मिल सकी। क्या जाने से पहले हाथ नहीं मिलाओगे? दिलीप कुमार गोपी के लिए। पूरी पब्लिक के सामने हनुमान जी का कान पकड़ रही हो, पाप लगेगा पाप। क्या इधर हमारी दुर्दशा हो रही है, कुछ कहना वहना नहीं तुम भी भैया? अरे मैं तो हूँ, गंगा के हुआ बच्चा हो रहा था वहाँ गया था। वो बच्चा तो पैदा होने का नाम ही ना ले। ये सब कुछ तूने अपनी आंखों से देखा? अपनी आंखों से देखा? अरे मैं अपने हाथों से सब करके आ रहा हूँ, तुम कह रहे हो अपनी आंखों से देखा? ये कमर इतनी फुटकल सी कमर, ये देखा इतनी सी है, बदन पे मांस तो है नहीं, सब हड्डी हड्डी। 120 पाउंड वजन है। ये 120 पाउंड, 120 पाउंड वजन। हमारे गांव की हवा खाओगी ना तो फूल के कुप्पा हो जाओगी इसकी तरह। ये मैं आप दोनों की कैसी दशा देख रहा हूँ। भगवान के लिए ऐसा न कहो, तुम तो मेरे भगवान हो भैया, मैं अब नहीं जाने दूंगा तुमको, तुम्हारे चरणों में तो मेरा स्वर्ग है भैया। संजीव कुमार खिलौना के लिए। हमने शेर पढ़ा नहीं और गजल खिल उठी, वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, और उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। मैं तुमको देखता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे मार दो, मुझे मार दे, तुम्हें ना देखो तो फिर जीऊंगा कैसे? जब मैं पागल था, बेअदबियां और गुस्ताखियां भी हुई हैं। मैं सिर्फ ये जानता हूँ इसने मुझे नई जिंदगी दी है, और अब ये माँ बनने वाली। मैं इस मासूम कलम को अपने जिगर का टुकड़ा बनाने को तैयार हूँ। अवार्ड राजेश खन्ना को मिला सच्चा झूठा के लिए। सच्चा झूठा के निर्माता थे विनोद दोषी, निर्देशक मनमोहन देसाई, गीतकार इंदिवर गुलशन बाबरा, कमर जलालाबादी, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। बेस्ट स्टोरी 3 नॉमिनेशन थे दो रास्ते के लिए चंद्रकांत काकोडकर, खिलौना के लिए गुलशन नंदा, पहचान के लिए सचिन भौमिक। अवार्ड चंद्रकांत काकोडकर को मिला दो रास्ते के लिए। दो रास्ते के निर्माता निर्देशक राज खोसला, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। बेस्ट फिल्म 3 नॉमिनेशन थे खिलौना, दो रास्ते, पहचान। अवार्ड खिलौनों को मिला। बेस्ट डायरेक्टर 3 नॉमिनेशन थे असित सेन सफर के लिए, राज खोसला दो रास्ते के लिए, सोहनलाल कंवर पहचान के लिए। अवार्ड असित सेन को मिला सफर के लिए। सफर के निर्माता थे मुशीर रियाज, गीतकार इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। 1971 में हुए फिल्म फेयर अवार्ड में सबसे ज्यादा अवार्ड पहचान को मिले, 9 नॉमिनेशन, 4 अवार्ड्स। जॉनी मेरा नाम 4 नॉमिनेशन, 3 अवार्ड्स। तलाश 3 नॉमिनेशन, 2 अवार्ड्स। खिलौना 6 नॉमिनेशन, 2 अवार्ड्स। दो रास्ते 7 नॉमिनेशन,
एक अवार्ड, सफर 3 नॉमिनेशन, 1 अवार्ड मिला। आपकी नजर में कौन से अवार्ड का सही हकदार कौन था, अपना कमेंट जरूर लिखें। इसके साथ ही 1971 में हुए फिल्मफेयर अवार्ड्स का ये एपिसोड यहाँ पूरा होता है। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।